ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, उन फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स में जो कनेक्टिविटी है, एक जो वर्ड है आपका मोल, और इस मोल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आपके होंगे, चाहे आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो, चाहे बाकी कोई और टर्म्स हो, ठीक है, ये टर्म्स आपको डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले, मोल क्या होता है और इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, क्या वैल्यूज होती है, उस पर मैं नहीं जाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ मैटर। फर्स्ट पॉइंट इज दी मैटर। व्हाट इज मैटर, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। एग्जैक्टली, बिल्कुल, हम बिल्कुल इसको इसी तरीके से बोल सकते हैं जैसे आपने डेफिनेशन बोली है 9th क्लास के अंदर, डेफिनेशन में यही होती है, एनीथिंग एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, स्पेस एंड हैज मास। केमिस्ट्री मास और वेट एक ही होता है, ठीक है, हैज मास एंड, और एक इसमें मैं और थोड़ा सा टेक्निकल एक वर्ड यूज कर सकता हूं, वो आपका है कैन ऑफर, कैन ऑफर रेजिस्टेंस, कैन ऑफर रेजिस्टेंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक नया मैंने आपको यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया है, आप सभी की नॉलेज डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ने वाली है। मैटर में मैंने बोला है एनीथिंग, जब एक बच्चे ने डेफिनेशन बोली है बहुत ही सही बोली थी, कि कोई भी चीज जो हमारे आसपास है, हमारे आसपास मतलब बच्चों नेचर, इन्वायरमेंट, ठीक है, जो भी चीज हमारे आसपास है, इवन घर के अंदर भी जो भी चीज हमारे आसपास दिख रही है ना, एनीथिंग, ठीक है, व्हिच ऑक्यूपाई, जो ऑक्यूपाई बच्चों कर रही हो स्पेस, स्पेस को कवर कर रही हो, इवन एयर, ठीक है, एयर की भी बात कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स की बात कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर सकते हैं, तो मैंने एनीथिंग बोल दिया है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो स्पेस को कवर कर रही हो एंड उसका पास कुछ मास हो, तो बच्चों जो स्पेस जो वर्ड यूज किया गया है, इट इज फॉर एयर, इट इज फॉर एयर, ठीक है, जो चीज आपके लिए इनविजिबल है, विजिबल नहीं है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्पेस। जैसे किसी कंटेनर के अंदर अगर आप एयर को फिल कर रहे हो, और एयर का मतलब सभी को पता है कि मैं यहाँ पे N2 फिल कर रहा हूँ, मैं O2 फिल कर रहा हूँ, बाकी और भी गैसेस में फिल कर रहा हूँ, लेकिन लार्ज प्रपोर्शन में, लार्ज अमाउंट के अंदर आपको N2 और O2 ही मिलेगा। ये फिर आपके घर के अंदर जो सिलेंडर्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कुकिंग के लिए जो हम यूज करते हैं LPG सिलेंडर्स बेसिकली, तो उसके अंदर भी आपकी ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है परफेक्टली। तो जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है, जो कंटेनर का वॉल्यूम है, वही वॉल्यूम बच्चों किसका होता है, गैस का। क्यों? गैस की इंट्रोपी ज्यादा होती है, इंट्रोपी का मतलब रेंडमनेस, मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जितना वॉल्यूम कंटेनर का होगा, वही वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम को भी हम लोग मान के चलते हैं, लेके चलते हैं, क्योंकि गैस पूरी तरीके से एक्सपांड हो जाएगी। जैसे किसी कमरे की बात कर लो, पूरा कमरा पूरी तरीके से कवर्ड है, कहीं कोई भी होल नहीं है, कहीं भी आपका यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो सकता है बाहर से किसी गैस का, या अंदर से कोई भी गैस आपकी बाहर नहीं जा सकती है, उसको मैंने कंप्लीटली फिल कर दिया। तो जो वॉल्यूम कंटेनर का होगा, जो एरिया, जो आपका पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जो भी आपका वॉल्यूम कंटेनर का होगा, वही वॉल्यूम एग्जैक्टली आपका गैस का भी लिया जाएगा, ये बात समझ लो। इसलिए मैंने स्पेस के बारे में बात की, कोई भी चीज जो स्पेस को डिफाइन कर रही हो, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो, और जिसके पास मास हो। बेटा केमिस्ट्री में मास और वेट, पहले समझ लो, मास और वेट दोनों ही टर्म आपके सेम है, कौन, इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। कई मॉलिक्यूल मास लिखा मिलेगा, कई मॉलिक्यूल वेट लिखा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मास और वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिजिक्स के अंदर ग्रेविटी विल वर्क, तो वहां पे वेट जो है ना, वो मास से डिफर हो जाता है, ठीक है। कैन ऑफर रेजिस्टेंस ऑल्सो, तो रेजिस्टेंस भी डिफाइन, मतलब कोई भी चीज जो स्पेस को डिफाइन कर रही हो। प्राची ने बोला है सर प्लीज ये टॉपिक, 1 सेकेंड प्लीज, ये टॉपिक डेप्थ में ले जाइए, बिकॉज ये टॉपिक जरा डिफिकल्ट लगता है। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इजी लगेगा, इजी ही लगेगा, आप टेंशन मत लो,
जितनी चीजें मैं करा दूंगा आपकी सब कुछ आसानी से होने वाली है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल मैं डेप्थ में लिख जाऊंगा, आप बिलीव रखो मेरे ऊपर, ठीक है। चलो, तो कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, जो बच्चों मास के साथ मैं बोल रहा हूँ, जो मास को डिफाइन करती हो, वेट को डिफाइन करती हो और रेजिस्टेंस ऑफर करती हो, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे ये आपका एक टेबल है, प्लीज ध्यान से देखना, ये मान के चलो आपका एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, आप समझ मान के चलो ये बुक रखी हुई है, तो जो बुक रखी हुई है ये उस पर्टिकुलर उस टेबल के साथ कुछ रेजिस्टेंस डिफाइन कर रही है, बिल्कुल रेजिस्टेंस डिफाइन कर रही है, ये इजिली तो मूव कर नहीं सकती है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। या फिर आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी चीज एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज जो रेजिस्टेंस को भी ऑफर करती है वो भी हम उसको मैटर बोल सकते हैं, एक नया टर्म है आपका रेजिस्टेंस। यहाँ पे आज तक आपने पढ़ा होगा जो स्पेस मास इन सब के बारे में, लेकिन रेजिस्टेंस टर्म एक आपका नया ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस को भी ऑफर कर, रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं फिर से। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं मैटर को कि इट इज मास एनर्जी। ध्यान से देखो बच्चों, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, इट इज मास एनर्जी which is moving with a velocity less than velocity of light। आपको समझ में अभी स्टार्ट हो गया होगा कि जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, ये डेफिनेशन पूरी तरीके से आपको मिसमैच कर रही होगी। आपने जो पहले कभी पढ़ा होगा मैटर की डेफिनेशन, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने मैटर की डेफिनेशन, मतलब सभी लोग बताना, मैटर की डेफिनेशन आप लोगों ने पहले कुछ अलग ढंग से पढ़ी होगी कि मैटर क्या है, कि कोई भी चीज एनीथिंग जिसके पास मास है, जो आपके स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, डेफिनेटली उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं। बट मैटर की पहली डेफिनेशन मैंने क्या बताई, कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई कर रही हो, स्पेस कवर कर रही हो, जिसके पास मास हो और जो रेजिस्टेंस को ऑफर करता हो, वो आपका मैटर है। अब मैटर की एक डेफिनेशन और यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन किया, ध्यान से देखो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं E इक्वल टू MC स्क्वायर, उसी से रिलेट करते हुए आपकी डेफिनेशन है, बात समझो ध्यान से, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, अगर उस ऑब्जेक्ट को अगर बच्चों में सी की स्पीड, ध्यान दो, सी से अगर अधिक स्पीड से अगर मैं उसे थ्रो करता हूँ, उसको मोबाइल कराता हूँ, उसकी वेलोसिटी में डिफाइन करता हूँ, तो बेटा जो वो मास है ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, वो मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है? लेकिन अधिक स्पीड होनी चाहिए, सभी को समझ में आ रहा है कन्वर्ट? जैसे मैं ह्यूमन बॉडी को मान, बिल्कुल डेफिनेटली, तो किसी भी ह्यूमन बॉडी को अगर मैं सी की स्पीड से अधिक से अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ, तो बच्चों वो आपका जो मास है उसका पूरा एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, उस इलेक्ट्रॉन्स के मास को ना जब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ साइन और कोसाइन वेव फंक्शन से मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूँ। साई का हम लोग यूज करते हैं वेव इस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी क्वेश्चन हमारा वहां पे नहीं है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो बच्चों लिखा है कि इट इज मास एनर्जी, वो एक्चुअली में मास एनर्जी का मतलब क्या है, कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। और आपको अच्छे से पता है जो सी है ना, जो सी है स्पीड ऑफ लाइट, यही डिफरेंस क्रिएट करने वाली है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हिच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, यही तो इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर लाइट की वेलोसिटी से कम स्पीड में, कम वेलोसिटी पे अगर उसका मूवमेंट हो रहा है बच्चों, वो रेगुलेट कर रही है, वो सर्कुलेट कर रही है, तो इसका मतलब वो आपका मैटर ही होगा। लेकिन लाइट की स्पीड से अधिक हो जाती है, तो वही मास, वही मैटर बच्चों कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एनर्जी के अंदर। क्या बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है? एक नई चीज आपको देखने को मिल रही है, एक नए तरीके से मैंने आपको डिफाइन किया है मैटर को। मजा आ रहा होगा डेफिनेटली, नई चीज आपको देखने को मिल रही है। मास एनर्जी को मैंने कैसे रिलेट किया है और मैटर मैंने कैसे, कोई भी चीज एनीथिंग सी से कम की स्पीड के साथ मूव कर रही है, डेफिनेटली बेटा वो आपका मैटर ही होगा, बिल्कुल मैटर होगा। वो मास डिफाइन करेगा, वेट डिफाइन करेगा, स्पेस डिफाइन करेगा, सब कुछ डिफाइन करेगा, पास रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा, एक नया टर्म। और उसके साथ अगर मैं उसको सी की स्पीड से, अधिक स्पीड से अगर मैं उसे मोबाइल कराऊंगा, तो वही मास, वही मैटर बच्चों एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो मैटर इज एक्चुअली ए रिलेशन इन बिटवीन मास एंड एनर्जी, तो वो मास और एनर्जी का जो रिलेशन है, तो मास और एनर्जी का रिलेशन टोटली डिफाइंड बाय ना वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो सभी को मैटर क्लियर हो गया है, बताओ जरा। यस सर, डेफिनेटली, यस बिल्कुल, थैंक यू। यस सर, नाउ वी विल कम हाइपोथेसिस। मैं आपसे पूछूंगा, आप जरा मुझे बताना, छोटी छोटी सी चीजें हैं ये आपको दिमाग में बैठनी चाहिए। मैं पूछूंगा बच्चों हाइपोथेसिस क्या है, और यहीं पे मैं एक टर्म और आपसे पूछूंगा, लॉ क्या है, थ्योरी क्या है। ये तीन चीजों में ना आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है, आपको नहीं टीचर्स को भी कंफ्यूजन होता है, मैं सीरियसली बताऊं। तो बताओ हाइपोथेसिस, लॉस एंड थ्योरी। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप पूछता हूँ, आप लोग जरा बताओ मुझे लॉस क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, और आपकी थ्योरी क्या है। परफेक्ट, 44 स्टूडेंट्स ज्वाइन इट, डेफिनेटली। बाकी भी बच्चों को बोलो यार मजा आ रहा है, लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है और भास्कर सर पढ़ा रहे हैं, तो चीजें बहुत डेप्थ में जाने वाली हैं, आपको फिर से पढ़ने को नहीं मिलेगा, डेफिनेटली। तो चलो बच्चों मैं पूछता हूँ आप लोगों से, मैं से ही, तो सबसे पहले खातिजा बताएंगे, बताओ बेटा व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट इज अंदाज लगाया। हाँ, कोई बात नहीं, जो भी आपको आ रहा है ना आप बताइए, व्हाट इज हाइपोथेसिस, अभी तक सुना होगा ना, अंदाज लगाया हाइपोथेसिस के बारे में सुना होगा। हाँ सर, जो सिर्फ अंदाज पर, मतलब वो प्रैक्टिकली वर्क नहीं किया हुआ होता। यहाँ बता रहा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। चलो बताओ जरा हाइपोथेसिस क्या है, कोई बताएगा मुझे? अंदाज लगाना है किसी चीज का, मतलब अंदाजा लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होगा। हाँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपने सही बोला है, मैं सीधा बोल सकता हूँ, एक आपका टेंटेटिव, ठीक है, एक आपका टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, सिंपल और कुछ भी नहीं है, ठीक है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ आपका एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बच्चों बेस होता है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, ध्यान दो, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो मैं आपको साइंटिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आप ऑब्जर्वेशन करते हो उनके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होता है ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, सभी बच्चों क्लियर है? तो हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस एक गैस किया हुआ एक एक्सप्लेनेशन है, जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे, उस ऑब्जर्वेशन के सेट्स के ऊपर हम जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन करते हैं किसी भी चीज के बारे में, एनीथिंग, वही आपकी हाइपोथेसिस होती है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इट कैन बी रॉन्ग, इट कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग, लिख सकते हैं हम लोग, इट कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग, ठीक है, इट कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग if certain other observation do not watch with previous observations। आप समझो ध्यान से, this is complete explanation, सब लोग यहां से ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चो, hypothesis का basic मतलब क्या है, लिखा है दिस थ्योरी इज ए प्रूफ ऑफ हाइपोथेसिस एंड लॉ इज स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रूफ। हाँ, प्रूफ के साथ, बिल्कुल। देखो मैं इसको यहीं पे पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको हर जगह मिल सकता है इसके बारे में। हाइपोथेसिस बेसिकली जैसा अभी आपने बोला वही है, लेकिन उसको समझ लेते हैं थोड़ा दिमाग में एक टेक्निकल वर्ड के थ्रू, कि हाइपोथेसिस जैसे कोई इसको रॉन्ग ना कर सके। तो हाइपोथेसिस बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन है, वो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, ये बेस होता है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जो आप करते हो, ठीक है, और इसको हम इट कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग, और जो भी आपके ऑब्जर्वेशन हैं, जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है, वो आपका रॉन्ग प्रूव भी हो सकता है, इफ सर्टेन अदर ऑब्जर्वेशन डू नॉट वॉच विद प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। पहले जो ऑब्जर्वेशन हुए उस तरीके के ऑब्जर्वेशन को फिर से अगर उसने नहीं देखा गया, नहीं उसको डिफाइन किया गया, उसने ऑब्जर्व नहीं किया किसी नए आदमी ने, जैसे सिंपल सी बात है, मैं हूं, मैंने किसी चीज के बारे में ऑब्जर्वेशन किया, उस ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैंने उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे दिया, हाँ, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो डी ब्रोगली का नाम सुना होगा, ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उनका हाइपोथेसिस का मतलब सिर्फ इमेजिनेशन है, उनके दिमाग में आया, उन्होंने बता दिया। तो अब वो स्टेटमेंट बाद में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस रॉन्ग भी हुआ,
तो रॉन्ग क्यों हुआ? बिकॉज न्यू साइंटिस्ट आए, उन्होंने प्रीवियस जो ऑब्जर्वेशन था, एक्सप्लेनेशन था, उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया, उन्होंने कुछ नए ढंग से, नए तरीके से उन्होंने क्या क्या चीजों को एक्सप्लेन किया उसी चीज को, सेम थिंग को, तो वहां पे जो पहले वाली जो थ्योरी है वो आपकी रॉन्ग हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? हाइपोथेसिस इज क्लियर? यस सर। परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉ। व्हाट इज लॉ बताओ बच्चों, लॉ क्या है? पहले तो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक जानकारी आपको आनी चाहिए। एक्चुअली लॉ क्या होता है बताओ जरा, लॉ क्या है और थ्योरी क्या है? तो थ्योरी के बारे में तो देखो, तो मैं एक वर्ड ही यूज करूंगा सिंपल सा, थ्योरी एक्चुअली है क्या? थ्योरी आपकी सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा, इट एक्सप्लेन ए लॉ। थ्योरी का मतलब होता है जो लॉ को एक्सप्लेन करे, जो लॉ को एक्सप्लेन करे वो आपकी थ्योरी, बस जो लॉ को एक्सप्लेन करे वो थ्योरी। हाइपोथेसिस इज क्लियर? अब सिर्फ लॉ के बारे में आते हैं, तो लॉ क्या है उसको बताओ जरा, कोई बताएगा मुझे? बताओ बच्चों, कोशिश करो। व्हाट इज लॉ? वो प्रूफ किया जा सकता है। लॉ को बेटा हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, कॉन्साइज स्टेटमेंट। ठीक है, कॉन्साइज स्टेटमेंट, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ, हाँ रूल, रूल बिल्कुल सही है, और मैं बोल सकता हूँ मैथमेटिकल, बिल्कुल करेक्ट बोला किसी बच्चे ने, परफेक्ट सिस्टम बिल्कुल। या फिर मैं बोल सकता हूँ दिस इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम कॉन्साइज स्टेटमेंट बोले या फिर इसको मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बोले, एक्सप्रेशन बोले जो पूरी तरीके से प्रूव किया जाएगा। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? सभी बच्चों क्लियर आ रही है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ which relates, एक बार मैं वर्ड यूज कर देता हूँ तो समझ में आ जाएगा, which relates the phenomena, ठीक है, which relates the phenomena with observation under given sets of condition, then it can be proved। इसी बच्चे ने बोला था प्रूव होगी, बिल्कुल, इट कैन बी प्रूव रॉन्ग और राइट। ठीक है, रॉन्ग या फिर मैं बोल सकता हूं राइट, रॉन्ग और राइट, क्लियर है? जैसे आपका एक फॉर्मूला मैं बताऊं, यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है लॉ ऑफ इनर्शिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज्यादा फिजिक्स में जाऊंगा नहीं, आप लोगों को अगर पता है तो ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया सिंपल सा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। तो देखो यहाँ पे लॉ एक्चुअली क्या, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं, उन स्टेटमेंट को एक बार मैं पढ़ भी लेता हूँ। यहाँ पे बोला है छिजा ने बोला है कि एक्सटेंडेड बाई फ्यूचर ऑब्जर्वेशन, डेफिनेटली करेक्ट है हर्षदा, बिल्कुल। संदेश ने बोला सिस्टम ऑफ रूल्स, लॉ को प्रिंसिपल कहना सही है क्या? लॉ को हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ प्रिंसिपल बोल सकते हैं, बिकॉज वहां पे प्रूफ मिलते हैं। ठीक है, प्रूफ आपको देखने को मिलेगा। लॉ इज ए स्टेटमेंट, थ्योरी इज ए प्रूफ ऑफ हाइपोथेसिस, एंड लॉ इज ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रूफ। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट है, उसको सिंपल तरीके से मैंने लिखा है और कुछ भी नहीं। थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है लॉ को, लेकिन लॉ एक्चुअली में क्या है, लॉ ही तो मेन चीज है, लॉ ही तो हमारा प्रिंसिपल है। अरे लॉ ही तो बच्चों आपका प्रिंसिपल है, दिस इज इंपॉर्टेंट की पॉइंट, लॉ ही आपका प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कंसाइज स्टेटमेंट, बहुत ही क्लियर और बिल्कुल सुलझे हुए स्टेटमेंट जो मैथमेटिकली प्रूव किए जाए, मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन के साथ डिफाइन किए जाए, कुछ रिलेट द फिनोमेना विद ऑब्जर्वेशन अंडरगो सेट ऑफ कंडीशंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। अगर इस तरीके की चीजें बदलेगी तो ऐसा रिजल्ट बन सकता है, जैसे आपने पढ़ा है डेरिवेशंस पढ़े होंगे, डेरिवेशन में देखा होगा कि अगर कोई कंडीशंस बदल रही होती है तो वहां पे किस तरीके से नया आपका वहां पे आंसर निकल के आता है। फॉर्मूला वही है, बस मैं कंडीशन को बदलता रहता हूँ, कंडीशन बदलकर न्यू फॉर्मूले वहां पे सेट ऑफ रूल्स आपके डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, देन इट कैन बी प्रूव रॉन्ग और राइट। ये बात समझ में आ रही है सभी को? बताओ बच्चों जरा, यहां तक बात क्लियर हो रही है? परफेक्ट है सभी को? लॉ क्लियर है, क्लियर है, थ्योरी क्लियर है, और इसके बाद जो थोड़ा हाइपोथेसिस, दिस इज आल्सो क्लियर। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, यस सर, परफेक्ट। ये तीन चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्लियर करते हैं। यस, बन सकते
यस। अब बच्चों यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की कहानी क्या है, समझो ध्यान से बेटा। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब कोई बताएगा मुझे? थोड़ा बहुत आपने अगर पढ़ा है पहले कभी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉस तो अभी समझ में आ गया ना, लॉस का मीन क्या होगा एग्जैक्टली? अभी लॉस बोलूंगा मैं, हाइपोथेसिस बोलूंगा मैं, थ्योरी बोलूंगा, आपको सब कुछ समझ में, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज है वो क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन जो हम क्या समझ सकते हैं, बताओ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से हम क्या समझ सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से आप क्या समझते हो बताओ बेटा? संदेश, बताओ जरा। किसी को कुछ पता है बताइए बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कोई बता सकता है, इसका एक्चुअली मीन क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से आप क्या समझते हो? चलो मैं आपको यहां बताता हूं वही वाला लॉ ना जो क्या बेटा। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है ठीक है, आपके टेक्स्ट आ रहे हैं बराबर, मैं आपके टेक्स्ट को देखता हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ा ने बोला है फिजिकल सेंसिंग सिस्टम, नो बेटा ये नहीं। हर्षदा ने बोला है मास ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज ए लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिफाइंड बाई लैबुशियर, आपने तो बता दिया हर्षदा बेटा, हर्षदा ने बताया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिफाइंड बाय लेबुशियर, लेबुशियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, आपने तो वो बता दिया। मैंने पूछा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से आप क्या समझती हो? सर जैसे कि केमिकल कॉम्बिनेशन से हम लोग किसी उस मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन से किसी भी मैटर को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बहुत ठीक है। लेकिन देखो मैं ना, जैसे यहाँ पे संदेश ने बोला है लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये तो लॉज बता दिए बेटा, ये सब पढ़ेंगे इसमें। हाँ बिल्कुल सही, हम लोग इसी में पढ़ेंगे, ये लॉज है, आपने लॉज बता दिए। चलो देखो मैं बताता हूँ सिंपल टर्म है क्या, अब ध्यान देना। मैं हिंदी में लिखूँ, हिंदी में लिखूँ क्या, मैं आपको और यस अच्छे सर, समझ में आएगा। आपने हाँ सर उतना भी चलेगा। यस सर, हाँ सर, इंग्लिश में पढ़ा यस है, सर, इंग्लिश में टीचर पढ़ाते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ाते, मैं हिंदी में आज पढ़ाता हूँ। चलो मैं ना हिंदी में लिखता हूँ, कंटिन्यू। देखता हूँ मेरी राइटिंग कैसी आ रही है। जितने भी एलिमेंट, जिसको बोले इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स सर आपस में, लैंग्वेज कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ बिल्कुल, जितने भी एलिमेंट आपस में रिएक्शन, आपस में रिएक्शन, आपको पता सबको है लेकिन बता नहीं पा रहे हो, रिएक्शन कर कंपाउंड्स बना लेते हैं, कंपाउंड्स बना, जो भी बच्चे लेक्चर देखेगा ना तो वो क्या बोलेगा यार, मतलब हिंदी में भी पढ़ाई हो रही है, क्योंकि ये चैप्टर ना, ये चैप्टर हिंदी में समझते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। बना लेते हैं कंपाउंड्स, बना लेते हैं, ठीक है, ये कंपाउंड पूरा 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 लिखना चाहूंगा मैं, ये कंपाउंड का बनना, ये कंपाउंड का बनना केमिस्ट्री के, देखना हमेशा के लिए याद होगा, केमिस्ट्री के फाइव, संदेश जो आपने लिखा था, केमिस्ट्री के फाइव बेसिक लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग ही गवर्न, ठीक है, गवर्न होते हैं। अब पढ़ो सभी लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना सिंपल तरीके से लिख दिया मैंने, बताओ सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ मुझे। हाँ सर बहुत अच्छे बहुत से। ही सिंपल लिखा है मैंने, हाँ लॉ ऑफ केमिकल सर कॉम्बिनेशन से आप समझते क्या यस हो, लॉ ऑफ यस आपको देखा ना, अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था मैटर क्या होता है, कुछ नए तरीके से बताया ना, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि लॉज क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, थ्योरीज क्या है, वो भी अलग तरीके से बताया, समझ में आ गया परफेक्टली। अब बहुत बहुत सारे बच्चों को पता था, अभी मैंने पूछा सिंपल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की, आपको पता भी था लेकिन आप बता नहीं पा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो बहुत ही अच्छे से लिख दिया, आप देख लो यहाँ पे ध्यान से।
एक ये बच्चा है इस तरीके से, तो ये कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स आपस में, भाई जो भी एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स ही आपस में कंबाइन होते हैं, एटम्स ही आपस में कंबाइन होते हैं, हम लोग कितनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन कर कंपाउंड बनाएंगे, तो बच्चों पहले एटम होंगे, एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स का मतलब सेम टाइप के एटम की प्रेजेंस। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, मैं बोलूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का मतलब क्या कि हाइड्रोजन एलिमेंट के पास हाइड्रोजन के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे, बात समझ में आ रही है। एलिमेंट का मतलब होमो एटॉमिक, दिस इज होमो एटॉमिक सिस्टम इज कॉल्ड एलिमेंट। तो एलिमेंट आपस में जब कंबाइन होंगे, रिएक्शन करेंगे, तो बच्चों क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, और कंपाउंड बना लेते हैं, तो ये कंपाउंड का बनना ही केमिस्ट्री के 5 बेसिक लॉज के अकॉर्डिंग ही गवर्न होते हैं, तो यही बच्चों होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया सभी को, बहुत ईजी था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब। बिल्कुल यहाँ पे चिन्मय ने एक आंसर किया है, मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा, चिन्मय ने किया है यहाँ पे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड ऑब्वियस द 5 बेसिक लॉज। बच्चों वही तो बात है चिन्मय, हम लोग अंग्रेजी बोल देते हैं ना, तो आधे बच्चों तो इसी में घूमते रहते हैं यार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है, व्हिच रिएक्ट टुगेदर ओके टू फॉर्म कंपाउंड, फिर वो सोचते हैं एलिमेंट फिर कंबाइन करेंगे। अरे भाई सीधा सीधा हिंदी में बोल दो, हिंदी बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, हम हिंदुस्तानी है, समझ में आता है, ठीक है, इंग्लिश को हम प्रायोरिटी देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे जिसको हिंदी में ही पढ़ लो ना तो हमेशा के लिए याद रहते हैं। अभी आपको ना जिंदगी में कोई मिलेगा ना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आप इंग्लिश की लैंग्वेज, इंग्लिश की लाइन को आप रट सकते हो, ठीक है ना, उसको आप उसको बोलोगे ना तो हिंदी में ही बोलोगे, सामने वाले को समझाना है, तो मैं समझाने वाली लाइन लिख रहा हूँ आपको, कि जितने भी एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करेंगे, बताओ आपस में एलिमेंट रिएक्शन कर रहे हैं, कंपाउंड बना लेते हैं सर, कंपाउंड जब बनेगा एलिमेंट से, तो वो एलिमेंट जब कंबाइन हो रहे होंगे, बनाएंगे कंपाउंड, तो उस जो पूरा प्रोसेस दिख रहा है, उस जो एलिमेंट से कॉम्बिनेशन, उस एलिमेंट का कॉम्बिनेशन और बन रहे हैं जो प्रोडक्ट, जो बन रहे हैं कंपाउंड, तो वहां पे जो इसी के अंदर पूरी की पूरी केमिस्ट्री, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कोई सी भी केमिस्ट्री की कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, इन 5 बेसिक लॉज पे डिपेंड करती है बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन, इन बेसिक 5 लॉज के अकॉर्डिंग ही डिफाइन की जाएगी। क्या सभी को मेरी बात समझ गए, वहां पे एलिमेंट कंबाइन करेंगे, वहां भी आपके आयंस कंबाइन करते हैं, बनाते हैं कुछ नया प्रोडक्ट, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सभी को बात समझ में आ रही है, परफेक्ट। तो दिस इज द मीन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब बच्चों हम बात करते हैं, सबसे पहला जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। के बारे में भी किसी बच्चे ने मुझे बताया था, मैंने वो इनिशियली पूछा था लॉ ऑफ, यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, तो पहला बच्चों लॉ आपका आ चुका है 5 बेसिक लॉज पे, जो डिपेंड करता है ना कि एलिमेंट ट्रांसफर, सुन लो, एलिमेंट कैसे कंबाइन करेंगे और कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, दिस इज टोटली डिपेंड्स अपॉन 5 बेसिक लॉज। फर्स्ट बेसिक लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कनेक्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कोई बताएगा मुझे? जितना मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फ्रॉम प्रोटॉन टू अनदर। ओके परफेक्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन। व्हाट अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन? न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो नहीं करता सर उसे। हां सर, न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो नहीं करता है, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज में पहचान रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही बोला है। न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो क्यों नहीं करता है? न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो क्यों नहीं करना है, तो बताएगा मुझे? वो डायरेक्ट E is equal to MC square को फॉलो करता है। तो MC square को नहीं, नहीं, वो तो मुझे भी समझ में आएगा, किसी को भी समझ में आएगा, फॉर्मूला बताओ। जितना रिएक्शन डिकम्पोज करते हैं, जरूरी नहीं कि उतना ही प्रोडक्ट बने, उससे ज्यादा भी मास डिक्रीज हो जाता है, राइट? मास डिक्रीज हो जाएगा, तो मास अगर डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मास प्लस एनर्जी, क्या दोनों का कंजर्वेशन बराबर देखने को मिलेगा? नहीं सर, तो नहीं सर, पर आपने बोला हुआ है, तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मास ना, मैं सभी बच्चों के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मास आपको सिर्फ इतना बोलता है कि चाहे बच्चों आपकी फिजिकल रिएक्शन हो, समझ लो ध्यान से, चाहे आपके, मैं न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बताऊंगा पूरा सभी के लिए, देखो चाहे आपका फिजिकल रिएक्शन हो और चाहे आपका कोई भी केमिकल प्रोसेस हो, फिजिकल हो या फिर आपका केमिकल हो, ठीक है, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन कोई सी भी हो,
जिसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो मास है बच्चों, जो मास है बिफोर, मास बिफोर द रिएक्शन, मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द मास आफ्टर द रिएक्शन, मास आफ्टर द रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? मास आफ्टर द मतलब मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन। इसका मीन पता क्या हो गया? इसका मीन ये हो गया है कि जितना मैंने आपको दिया था और उतना ही मास आपको बना है प्रोडक्ट की साइड में, तो इसका मीन ये हो गया है कि मास ना तो कभी क्रिएट हो सकता है ना ही मास कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्व है। मास कंजर्व होने का मतलब क्या है कि जब भी कोई फिजिकल और केमिकल रिएक्शन बेटा देखने को मिलेगी, ठीक है, उस फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इनिशियली मास होगा, मतलब रिएक्शन के पहले, रिएक्शन जब प्रोसीड ही नहीं हुई है, t = 0 पे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हुई है, ए से बी का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, उसके इसमें ए मैक्सिमम है, तो मैं बोलूंगा कि ए का मास जो भी आपको दे रखा है, वेट जो भी दे रखा है, जब रिएक्शन पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी, आपकी रिएक्शन पूरी तरीके से इन्फिनिटी टाइम में खत्म हो जाएगी, तो बच्चों बी का मास वही होगा जो ए का मास होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो कि मास ना तो कभी क्रिएट कर सकते हैं ना ही मास कभी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यस, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली है चिज़ा बेटा ने, मास ऑफ एक्टेंट डिकम्पोज इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। डेफिनेटली उसी का मीन है कि हम मास ना तो कभी हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही मास हम कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? परफेक्ट यहाँ तक? इट इज लॉस्ट स्टेट दैट मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ बिल्कुल सही है, वैभव ने बिल्कुल बोला है मास ऑफ एक्टेंट डिकम्पोज इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। करेक्ट, बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। मत इसको आप इस तरीके से भी समझ लो कि जितना मास आपको रिएक्शन के पहले था उतना ही मास रिएक्शन के बाद में आपको मिलेगा फाइनली, क्योंकि रिएक्शन तो बीकर के अंदर ही होगी। बात समझो, रिएक्शन तो बीकर के अंदर ही हो रही है। अब बीकर के अंदर आपको रिएक्टेंट मैंने ए दिया था, वो रिएक्टेंट कन्वर्ट किसमें हो गया है? बी के अंदर मैंने कंडीशंस बदल दी। तो जो मास ए का था इनिशियल रिएक्शन, रिएक्शन के रिएक्शन होने से पहले बिफोर द रिएक्शन, वही मास आपका ए पूरी तरीके से कन्वर्ट बी में हो चुका है, तो मास आपको बी में देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात समझे तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि ये डिफाइन किसने किया था बच्चों? गिबन बाई लेवोजियर। यस, इनको हम बेटा बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ, वैसे गूगल में सर्च करोगे तो अलग केमिस्ट्री के फादर हैं, बट अभी तक एनसीईआरटी के डेटाबेस के रिस्पेक्ट में हम इन्हीं को बोलते हैं एंटोनी वॉन लेविशर। परफेक्ट, इन्हीं का नाम है, ठीक है, पूरा तो लेविशर नाम आएगा नहीं कभी, बस इनके साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने डिफाइन किया इसलिए हमने उन्होंने बता दिया। ना बेटा यहाँ पे आता है एक्स्ट्रा पॉइंट, उस एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको ध्यान रखना है एक न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। जैसा अभी आप लोगों ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी किया था, मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है? तो करती है बच्चों, बताओ जरा क्या न्यूक्लियर रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी? नहीं नहीं। तो मैं बोलूंगा, हाँ बिल्कुल सही, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर तो मैं बोलूंगा न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्शन के बाद, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ रिएक्शन के बाद और बोल भी रहा हूँ, रिएक्शन के बाद मास डिक्रीज हो जाता है, मास डिक्रीज हो जाता है, जाती है, जो भी आप समझो, है ना, मेल फीमेल वर्जन आप कर सकते हो जाता है, ठीक है। बट अच्छा अभी क्वेश्चन मुझे ये बताओ जरा बच्चों, ध्यान से सुनना जरा, जब कोई भी जनरल केमिकल रिएक्शन होती है तो उनकी रिएक्शंस के अंदर क्या होता है बताओ? मास आपको रिएक्टेंट का मैंने ए दिया, जरा कंपेयर करते हैं, मैंने मास ए दिया रिएक्टेंट का, मास मैंने ए दिया रिएक्टेंट का 10 ग्राम, समझो ध्यान से, रिएक्शन प्रोसीड हुई, ए का ग्राम आपका 10 ग्राम डिक्रीज करेगा बच्चों, बी का आपका 0 था इनिशियली वो इंक्रीज करेगा, करेगा ना, तो धीरे धीरे ए का डिक्रीज होता जाएगा बेटा 10 से वो 0 पे आ जाएगा कुछ टाइम बाद, और जो बी है वो 0 से 10 पे पहुंच जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है, सभी क्लियर है? लेकिन अगर मैं बोलूं कि ए हमारे पास सपोज यूरेनियम है, ए हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा कंपाउंड है जो न्यूक्लियर रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है, राइट, अगर वो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन में मान लेते हैं यूरेनियम है, तो बच्चों इनका लॉसिस होता है, लॉसिस किन किन के फॉर्म में होता है? अल्फा बीटा गामा डिफरेंट वेव्स की फॉर्म में यहाँ पे कंटिन्यूस क्या होता है, यहाँ पे आपका इनका लॉसिस होता है। अब ये जो वेव्स है बेटा, वेव्स का मतलब इनके पास एनर्जीज है, तो ये जो लॉसिस कंटिन्यूस हो रहा है, तो इस लॉसिस को क्या हम यहाँ पे क्या हम इसको हम डिफाइन ना करें, क्या इसको हम इंक्लूड ना करें? तो ये क्वेश्चन है,
क्योंकि उस ए जो आपका मेन जो रिएक्टेंट था वो न्यूक्लियर आपका नहीं था, ये न्यूक्लियर नहीं है, नॉन न्यूक्लियर है, यहाँ पे कोई लॉसेस तो होता नहीं है, तो इसलिए ए जितना था बी उतना बन जाएगा। लेकिन जो रेडियोएक्टिव डिकेड जो होते हैं, रेडियोएक्टिव डिके की बात कर रहा हूं मैं, जिनको लॉसेस होते हैं डिफरेंट वेव्स की फॉर्म में, तो वही वो जो लॉसेस है वो कंटिन्यूस होते रहते हैं, तो उन लॉसेस को मुझे डिफाइन करना है, एड करना है, इंक्लूड करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर। क्वेश्चन हमारा ये है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्शन के बाद मास डिक्रीज, बट अगर मैं बात करूं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास प्लस एनर्जी वर्ड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट जो आपके लॉसेस हैं, डिफरेंट जो डिकेज हैं, ठीक है, रेडियोएक्टिव की जो डिके हैं, जो आपके यहाँ से कंटिन्यूस आपकी जो वेव्स जो आपकी रिलीज होती है अल्फा बीटा गामा की और डिफरेंट फॉर्म में, मास प्लस एनर्जी ये दोनों कंजर्व होते हैं, ध्यान दो ये दोनों एक साथ कंजर्व होते हैं, ये दोनों एक साथ कंजर्व होते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये दोनों अगर कंजर्व होंगे तो बच्चों जहां तो एनर्जी भी आ गई ना, ये एनर्जी भी तो आ गई ना, तो हम लोगों ने अभी कंजर्वेशन और मास में एनर्जी तो कहीं पढ़ी नहीं है, हम लोगों ने मास डिफाइन किया है कि जितना मास अपन ने लिया था उतना ही बाद में आपको मिल जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ये बात समझने वाली होती है कि यहाँ पे कुछ मास जो होता है, जैसे मैंने आपको दिया 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में से कुछ मास ऐसा होगा जो इसका लॉस हो जाएगा अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में, वो एनर्जी का पैटर्न है। तो वो मास जो है, कुछ मास ऐसा होगा जो इनके जो अल्फा बीटा गामा डिफरेंट वेव की फॉर्म में, वो क्या होगा आपका यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, वो आपका फिनिश हो जाएगा, वो दूसरी जगह यूज हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो मास बाद में अगर आप काउंट करो कि यूरेनियम टोटल कन्वर्ट कितना हुआ है दूसरे आपके कंपाउंड्स के अंदर, कितना यूटिलाइज हुआ है, तो वो एक्चुअली 10 ग्राम नहीं होगा, वहां पे आपकी डिफरेंट जो लॉसेस हो चुके हैं अल्फा बीटा गामा उन्हें हम काउंट नहीं करें, उन्हें हमने काउंट किया तो मास प्लस एनर्जी कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन आपकी नहीं आती है। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे मास प्लस एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है, ये कंजर्व होते हैं एक साथ। सभी को बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मास प्लस एनर्जी का कॉम्बिनेशन आपको डिफाइन करना है। ओके, थैंक यू। यस, अभी देखो इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द मीन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट? आप बताओगे मुझे तो मैं जल्दी आगे चलूंगा, क्योंकि जो भी चीज बताने वाली है उसको मैं एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा। जैसे मैंने अभी न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बताया, न्यूक्लियर रिएक्शन बच्चों कभी भी आती है ना, वहां पे आपको मास प्लस एनर्जी कंजर्व कराना है। मास प्लस एनर्जी मतलब इनिशियली जो मास प्लस एनर्जी है, बाद की मास प्लस एनर्जी आपकी बराबर निकल के आएगी, दोनों का एडिशन है ना। बात समझ में आ रही है? सिर्फ मास, इनिशियली मास इज इक्वल टू फाइनल मास, ये मत कर देना न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मास प्लस एनर्जी दोनों ही कंजर्व होते हैं। समझ में आ रहा है? परफेक्ट क्लियर है कि नहीं बताइए बेटा? बिल्कुल। लेकिन जो बाकी नॉर्मल रिएक्शन है उसमें मास, इनिशियली मास इज इक्वल टू फाइनल मास, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिक्रीज होता जाएगा, वो मास कन्वर्ट किस में होगा? डिक्रीज वाला सेक्शन, वो कन्वर्ट आपकी डिफरेंट वेव्स की फॉर्म में होगा, वो वेव्स एनर्जी होंगी। तो इनिशियली मास प्लस एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मास प्लस एनर्जी, वो कंजर्व होगा, तो उससे हम कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं बोल सकते हैं। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन कभी भी कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते हैं। नाउ कम्स व्हाट इज द मीन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कोई बताएगा मुझे? The atomic ratio of a particular compound is fixed. हिंदी में बताओ बेटा थोड़ा सा, बाकी सभी वजह फ्रेंड्स केमिस्ट ने प्रोस्ट फिक्स्ड होता है। बिल्कुल ठीक है, देखो बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया। देखो ध्यान से मैं कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन एलिमेंट्स के एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन करने के बाद ही होगा। समझो ध्यान से, जो लिखा है मैंने एग्जाम्पल भी मैं कर लेता हूं। जैसे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल, तो अब मुझे बताओ
यस यस बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे लिखा है लॉ का मतलब समझ में आ चुका होगा, पहले बता चुका हूं मैं। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, प्रोपोर्शन का मतलब बच्चों होता है रेशियो से रिलेटेड। ठीक है, जो भी चीजें यहाँ पे हैं, क्योंकि हम लोग बेटा ये लॉज किसके पढ़ रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के। केमिकल कॉम्बिनेशन बेटा मतलब क्या, इसका मतलब एलिमेंट कंबाइन करेंगे बनाएंगे कुछ प्रोडक्ट, उन्हीं के लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लिखा है मैंने कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन एलिमेंट्स के एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन या रेशियो बोल सकते हो मैं कंबाइन करने के बाद ही होगा। कितने बच्चों को ये लाइन समझ में आ गई है, हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके लिखी है, बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी। ठीक है, जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो उसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, वही तो है, पूरी इंग्लिश में लिख दूंगा मैं, ऑब्वियसली आपको समझने में भी दिक्कत होती है, बिल्कुल होती है, मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं भी सीबीएसई के सुन रहा हूँ तो दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाले बात, मैं दोनों को ऐड करके लिख रहा हूँ इसलिए आपको समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, कि कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन एलिमेंट्स के एक्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन करने के बाद ही होगा। जैसे बच्चों एग्जाम्पल है सिंपल वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। बात मेरी समझ में आ रही है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का बच्चों यहाँ पे कितना एटम, पहले मुझे बताओ हाइड्रोजन का एटम कितना है, टू है ना, दो। अरे दो है ना, और ऑक्सीजन का बच्चों कितना है, वन है, एक। तो टू रेशियो वन में हम बोल सकते हैं। दूसरा, इनके मास के बेस पे आ जाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे ऑक्सीजन है, बेटा हाइड्रोजन का मास कितना आपको मिलेगा, टू, भाई दो एटम है ना, टू। ऑक्सीजन का बच्चों कितना होगा, 16 कर लो तो आपका 1:8 हो जाएगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? अब सुनना ध्यान से, अब ये पानी बच्चों चाहे मैं आपके घर का पीने आऊं, बात सुनना ध्यान से, मैं चलो पानी, मैं पानी पीना चाहता हूँ चिन्मय के घर से पीना चाहता हूँ, चलो मैं चिन्मय घर आया, चिन्मय ने, मैंने कहा चिन्मय यार पानी पिलाओ, चिन्मय ने कहा ठीक है सर लेके आते हैं, लेके चिन्मय ने पानी पिलाया, तो मैं पानी में देख रहा था कि वहां भी हाइड्रोजन दो ही थे, ऑक्सीजन एक ही था, बराबर। मैं थोड़ी देर बाद फिर मैंने अगले दिन क्या किया, मैंने देखा चलो खाते से घर चलते हैं, मैं वहां गया और उनके यहाँ भी पानी में वही मुझे देखने को मिला, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। फिर उसके बाद चलो मेरा मन किया चलो चिज्जा घर चलते हैं, वहां गया, वहां भी मैंने वही दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन पाया, मास भी मैंने वही पाया। फिर थोड़े समय बाद मैं क्या किया, यहां से मैं चला गया बाहर दिल्ली चला गया, वहां जाके भी मुझे वही मिला, मैं चला गया पाकिस्तान, वहां भी जाके मुझे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन कम, मैं गया ऑस्ट्रेलिया, मैं गया अमेरिका, यूएसए, मैं कहीं भी गया, मैं दुनिया के किसी भी कोने पर गया, कहीं भी गया, मुझे क्या मिला, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बच्चों कितना, दो, ऑक्सीजन कितना, एक, दो मॉलिक्यूल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऐसा नहीं H3O नहीं हो जाएगा कि तीन हाइड्रोजन एक, मैं तो नहीं, नहीं वो यूएसए वाले बोलेंगे यार मैं तो, मेरे यहाँ तो पानी है ना उसमें तीन हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, बिल्कुल नहीं, गलत चीज, क्योंकि वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अगेंस्ट हो जाएगा ना। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अगेंस्ट होने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल दुनिया के किसी भी जगह मिले, किसी भी लेबोरेटरी मिले, कहीं भी मिले, उसमें आपके वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही देखने को मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही बच्चों क्या है कि जब वाटर मॉलिक्यूल बनेगा दुनिया के किसी भी जगह किसी भी लेबोरेटरी के अंदर, वहां पे दो हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे एक ऑक्सीजन के साथ। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो दिस इज परफेक्ट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, परफेक्ट, सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. अब मुझे बताना जरा, एक मैं पॉइंट आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, क्या आइसोटॉप्स के लिए एप्लीकेबल होगा, क्या ये आइसोटॉप्स के लिए एप्लीकेबल होगा, यस और नो क्वेश्चन, अभी तो मजेदार है, क्या ये आइसोटॉप्स के लिए एप्लीकेबल होगा, तभी तो बेटा हम लोग बोल रहे हैं कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, बताओ जरा। यहाँ पे बोला है हर्षविदा ने, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। हर्षदा बेटा मैंने वही बोला है जो आपने इंग्लिश में बोला है, ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोला है, बिल्कुल। और आर्यन बोला है वेट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इज का, यस बेटा आर्यन बेटा मैंने भी वही बोला है जो आपने बोला है। फ्रेंच केमिस्ट प्रोस्ट, ओके ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे नहीं जा रहे हैं सर, पर वो दूसरा फॉर्म होगा ना कंपाउंड, मतलब हेवी वाटर होगा दूसरा, ड्यूटेरियम लिया तो आइसोटोप जैसे। यार मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ ना, मैंने क्वेश्चन अभी आपसे पूछा है ना, नहीं होगा सर। क्या आइसोटॉप्स के लिए एप्लीकेबल होगा, यस और नो में सिर्फ आंसर देना है, रीजन अगर आपको पता है। अच्छा मैं चलो ले लेता हूँ, ये कार्बन है या ऑक्सीजन है, ठीक है समझ निकला आपने, बहुत अच्छा समझा भी है, ये कार्बन है, क्योंकि मैं हिंट कर रहा हूँ, अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप समझ लो यहाँ पे ध्यान से। मैं चलो कार्बन का आइसोटॉप लेता हूँ, आपको बहुत आप फैमिलियर उसके साथ, इसका 12 लेता हूँ, C6 12, C6 14, आप पॉपुलर हो इनके साथ,
मैंने कंबाइन किया है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना चाहा, यहाँ पे आपका एक कार्बन का आइसोटॉप आपका C6-12 है, यहाँ पे C6-14 है, कोई डाउट? ये कार्बन का आइसोटॉप है, मैंने कंबाइन किया है बच्चों, तो कंबाइन किया, मुझे मास बताओ जरा, मास बताओ, यहाँ पे कार्बन कितना होगा 12, अरे 12 देखना ना, ऑक्सीजन कितना होगा 16 into 2 मतलब 32 हो जाएगा, करेक्ट है ना, इनको अपन को सिंपलीफाई करें तो कितना आएगा 3:8 आ जाएगा, बिल्कुल सही सर। जरा यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा इसका बताओ मुझे, 14 आएगा ना, और ऑक्सीजन कितना होगा आपका 32 हो जाएगा, जरा इसको सिंपलीफाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कर देते हैं 7 और कर देते हैं यहाँ पे 16, फर्दर कैंसिल होगा नहीं, यहाँ मिला 7:16, यहाँ पे मिला आपका कितना 3:8, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, तो sir. क्या ये डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है? No, क्या ये डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा? नो सर, नो सर। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट को ही जानना जरूरी है, बाकी जो सिंपल पॉइंट आप लोग पढ़ते हो वो तो पता ही, उसमें कोई डाउट है ही नहीं है, इतनी बात सभी क्लियर। नाउ बेटा अब हम डिस्कस करेंगे, यस डेफिनेटली, बिल्कुल परफेक्ट चीज है, समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं गैलुशाक, नेक्स्ट शेडिंग होगी आपकी गैलुशाक, थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे, LUSSACK, ठीक है, गैलुशाक लॉ, स्पेलिंग इधर से उधर हो सकती है, साइंटिस्ट के नाम है गैलुशाक लॉ। तो गैलुशाक लॉ के बारे में कोई बताएगा, गैलुशाक लॉ इज एक्चुअली डिफाइंड फॉर किसके लिए बेटा, डिफाइंड फॉर गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम के लिए गैलुशाक लॉ डिफाइन होता है सभी को सब। अब गैलुशाक लॉ के बारे में कोई बताना चाहेगा मुझे, अगर पता है तो, किसी बच्चों को पता है तो बताओ जरा। देखो मैं यहाँ पे करता हूं, आप लोग कोशिश करो बताने की, when gases combine, आप लोग इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में कर लेते हैं, when gases combine, when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, ठीक है, provided all the gases are at same temperature, very important point is same temperature and same pressure, this is very important term, just example ले लेते हैं फटाफट से, यहाँ पे N2 बच्चों गैस की फेज में है, ठीक है, H2 आपका यहाँ पे गैस की फेज में है, 3 moles इसके आएंगे, यहाँ से बच्चों फॉर्मेशन हो गया है 2 moles ऑफ अमोनिया, ठीक है, ये भी गैस की फेज में है, तो लिसन केयरफुली, देखो बच्चों ध्यान से सुनना सभी लोग, अभी मल्टीपल प्रोपोर्शन आया नहीं है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में बताऊंगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो एग्जैक्टली लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम ही है, मैं बताऊंगा अभी, ध्यान दो पहले इसको, ध्यान दो, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैसियस आर एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बच्चों मैं आपसे सिंपल तरीके से बोलूं, आप मैं चाह रहा हूँ कि आप ना यहाँ कोल्हापुर में आप हमारे अपने कॉलेज के अंदर कोई लेबोरेटरी है वहां पे आप जा रहे हो, मैं बोलता हूँ N2 और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस का बेटा रेशियो 1:3 होना चाहिए, 1:3 ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर आपको मैंने करके दे दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि अमोनिया गैस का फॉर्मेशन, तो सिंपल सी बात है कि सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे N2 और अगर आपका नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस अगर कंबाइन करेगी तो 1:3 में ही कंबाइन करेगी, वहां पे आंसर मिलेगा 2 moles ऑफ अमोनिया, और यही सेम कंडीशन, यही सेम टेम्परेचर, यही सेम प्रेशर आप दुनिया के किसी भी कोने में लेके जाओ और वहां पे अगर आप N2 और H2 को मिलाओगे ना तो 1:3 में ही मिलेंगे और आंसर बनेगा 2 moles ऑफ अमोनिया, बिल्कुल करेक्ट है, मोल्स विल बी फिक्स्ड। अभी एक बच्चे ने बोला है मोल्स विल बी, मैं मोल्स का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं लेकिन मोल्स का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। अभी पीयूष ने बोला है सर इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स्ड होते हैं ना, बिल्कुल। चिजन बोला है सर हिंदी भी कंबाइन करो ना समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आपको मेरी बात को समझ लो फिर से ध्यान से, बिल्कुल मैंने बोला है कि जब गैसेस आपकी कंबाइन करेंगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में,
या गैसेस बच्चों प्रोड्यूस होंगी, देखो यहाँ पे गैसेस कंबाइन भी हो रही है, गैस प्रोड्यूस्ड भी हो रही है, तो गैसेस किसी भी रिएक्शन में कंबाइन हो या गैसेस किसी भी रिएक्शन में आपकी प्रोड्यूस हो रही हो, तो बच्चों लेकिन ध्यान ये देना है कि वो गैसेस कंबाइन हो या वो गैस जो प्रोड्यूस हो उस रिएक्शन के आसपास उसके अराउंड जो कंडीशंस क्या बच्चों टेम्परेचर और प्रेशर, वो सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर दुनिया के किसी भी लैब में लेके जाओ आप अगर H2 और N2 कंबाइन करोगे तो 1:3 में ही कंबाइन करेगा, आंसर बनेगा 2 moles ऑफ अमोनिया, दैट विल बी फिक्स्ड। प्लीज कीप इन माइंड कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन आपकी डिफाइन होनी चाहिए, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर की कंडीशन आपकी डिफाइन होनी चाहिए। अब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि गैलेर्स्टॉक का जो लॉ है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है एक्चुअली में, ठीक है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो है गैलेर्स्टॉक का लॉ है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉर मास, ये एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉर मास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस, क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम लोगों ने पढ़ा नहीं अभी, लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ मास जो होता है क्या एग्जैक्टली आपके गैलेर्स्टॉक लॉ को डिफाइन करता है, ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, कल सर्च करके आना। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ मास क्या गैलेर्स्टॉक लॉ को डिफाइन करता है, या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या गैलेर्स्टॉक लॉ बात एक ही है, क्या इसको डिफाइन करता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ये क्वेश्चन करके आना, कल बात करेंगे बच्चों हम लोग बाकी लॉज, ठीक है, तो समझ में आया होगा, लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, थैंक यू। यस सर।